हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम राशि बना रहे हैं आपकी, जो जिस राशि पर आज हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो तुला राशि है आपकी, आपके सातवें नंबर की राशि है और जिसके स्वामी होते हैं शुक्र होते हैं। ठीक है, अच्छा, इस समय जो एक हम बता रहे हैं आपको, एक अलग एक कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन को हम समझाने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। तो बहुत से लोगों के मैसेज आए हैं कि तुला राशि पर प्लीज़ इसकी वीडियो बनाएं। तो आज जो हमारा मकसद है, सिर्फ मकसद यही है कि किसी तरह जो तुला राशि के हमारे जितने भी जातक हैं, उन लोगों का मतलब काफ़ी हद तक बहुत सारे मैसेज आए हैं, तो कह रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो बनाने का कारण हमारा यही है कि हम इस वीडियो बना दें। अच्छा, चलिए समझाते हैं आपको पहले क्या है। ठीक है, अच्छा, इस समय आपने देखा होगा जो राहु हैं, राहु आपके 18 साल बाद आपके मीन राशि में यहाँ पर आए हैं। कहाँ पर आए हैं? यहाँ पर आए हैं जी, राहु कहाँ पर आ गए? अपनी मीन राशि में आ गए। ठीक है ना, 18 साल बाद आए हैं और यहीं पर आपके 7 मार्च के आपके बुध भी आ गए हैं। कौन आ गए? बुध देवता भी आ गए आपके 7 मार्च को अपनी मीन राशि में। यहाँ अपना बुध देवता भी यहाँ पर आ गए। अब इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 12 नंबर की जो राशि होती है, ये आपकी एक अवचेतन मन की राशि है, है ना। ये जो आपका अवचेतन मन होता है, जो एक इंट्यूशन होती है आपके अंदर की, उस चीज़ को हम आपको प्रेरित कराना चाह रहे हैं कि इस तरह से उस आपकी जो वो आपका अवचेतन मन है, उसे हम जागृत कराने का एक आपको फार्मूला बता रहे हैं। और फार्मूला कितने रुपये का, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है ना, फार्मूला कितना महंगा है या कितना सस्ता है, वो फार्मूला मात्र आपके 5 मिनट का है, स्वयं आपका। आपको 5 मिनट सुबह देनी है, 5 मिनट रात को देनी है जब आप सोओगे। जब आप सुबह उठेंगे, 5 मिनट हमें आपकी जब चाहिए और 5 मिनट हमें आपकी जब चाहिए जब आप रात को सोओगे। बस इतना हमें आपसे चाहिए, इससे ज़्यादा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, किन लोगों के ऊपर वीडियो है ये? जो लोग अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, चाहे किसी कर्ज तले दब चुके हैं, चाहे किसी बीमारी तले दब चुके हैं, या किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ से, रोग से, शत्रु से ग्रसित हुए पड़े हैं और उनके पास चारा नहीं है कि हम क्या करें। तो भैया, जब आपके पास चारा तो कोई रहा नहीं, तो सिर्फ आप हमारे कहने से, ये आपको 18 दिन मिले हैं 7 मार्च से, आपके बुध जो हैं आपके अपने नीच राशि में यहाँ पर उदय हुए हैं, है ना, गोचर हुआ है इनका अपने आप में। तो और राहु आपके 18 साल बाद यहाँ पर आए हैं, तो इन दोनों से जो इनका कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का आप फायदा उठा सकते हैं। अच्छा समझिए, बुध क्या है? 6 नंबर के उसमें अपने सबसे अच्छा प्रभाव देते हैं। यहाँ पर राहु है, राहु भी अपने 6 नंबर के उसमें सबसे अच्छा प्रभाव देते हैं। तो इन दोनों का जो प्रभाव है, उस प्रभाव का आप कहीं ना कहीं आनंद ले सकते हैं। 12 नंबर क्या है? मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं? गुरु होते हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों कौन है? ये अपने आपस में मित्र हैं, फ्रेंड्स हो गए अपना। ठीक है ना, ये आपस में मित्र हैं तीनों के तीनों। तो इस मित्र मंडली का जो आप इस समय फायदा उठा सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशन का जो एक फायदा उठा सकते हैं, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे आप समझ जाएंगे, उस अवचेतन मन को अगर आप समझ जाएंगे, तो उससे एक फायदा उठा लेंगे, वो चीज हम आपको समझा रहे हैं। अच्छा, राहु आपके क्या होते हैं? राहु आपके विचार हैं। राहु आपका मन में जब चाहे जब वो चेंज कर देता है, आपके दिमाग को चेंज कर देता है। वो एक छाया है, एक शेडो है अपने आप में, क्योंकि राहु क्या है? राहु ग्रह ना होकर एक छाया ग्रह है। ठीक है ना, तो वो जो छाया ग्रह है, लेकिन वो जब देने पर आती है तो दे इतना जाती है जितना आप सोच नहीं सकते। जब भी आपने देखा होगा, किसी भी आदमी की जब तरक्की होती है, चाहे उसकी राजनीतिक क्षेत्र में तरक्की होती हो, चाहे सरकारी क्षेत्र में तरक्की होती हो, चाहे प्रमोशन होता हो, तो ज़्यादातर जो जब भी वो दशाएँ जो होती हैं उनके कुंडली में अगर आप देखेंगे, तो राहु की दशाएँ चल रही होती हैं। तो राहु देने का काम करते हैं। अच्छा, बुध क्या है? बुध आपकी बुद्धि है, बुध आपके राजकुमार है, बुध विद्या है आपकी, पढ़ाई लिखाई भी बुद्धि है। ये अगर सही है तो आपकी सारी चीज़ सही रहती है। अच्छा, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, भाई आपका बुध ठीक है ना, आपकी बुद्धि है, लेकिन राहु का अगर प्रभाव आ गया तो क्या होगा? बुद्धि भी ऊपर नीचे हो जाएगी, पढ़ाई भी ऊपर नीचे हो जाएगी। लेकिन जब इनका सटीक आपके समीकरण आपके पक्ष में अगर बैठ रहे हैं, तो उस समय का अगर आपने सटीक फायदा उठा लिया, तो उस फायदे का आप पूर्ण रूप से आनंद ले सकते हैं। ठीक है ना, वो हम एक सटीक फार्मूला आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ठीक है, ठीक।
अच्छा अब इनकी हम दृष्टि देख लेते हैं, जो एक दृष्टि जो है सातवीं दृष्टि इन दोनों को दे रखी है, राहु के पास भी सातवीं दृष्टि है, बुध के पास भी सातवीं दृष्टि है, वैसे और भी दो दो दृष्टि इनकी दो दृष्टि और हैं राहु की, लेकिन हम सिर्फ सातवीं दृष्टि की बात कर लेते हैं। और सातवीं दृष्टि जो पड़ेगी आपके कहाँ पड़ेगी, ये यहाँ पर बारहवें भाव पड़ेगी, ठीक है ना। ये भाव किसका होता है आपका, ये भैया आपका व्यय का होता है और काय का होता है, ये आपके खर्चे का भी होता है, ठीक है ना, खर्चे का भी होता है और काय का होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है, मुकदमा भी हो सकता है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से खर्चा भी होता है, कोर्ट कचहरी भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये अपने आप में क्या है, ये आपका मोक्ष का द्वार भी है, ठीक है ना, ये मोक्ष का भी वो है। और ये क्या है, ये आपका अर्थ है, ठीक है ना, ये आपका अर्थ का हुआ है। तो अब हमें इस कॉम्बिनेशन को समझना है कि इस कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं। अच्छा यहाँ क्या मतलब होता है, इस बारह राशि का मतलब, यहाँ जो बारहवा ये छठा घर है जो आपका, इसका भाव का मतलब क्या होता है, इस भाव का मतलब होता है जितने भी आपके रोग होते हैं, ठीक है ना, ऋण होते हैं, शत्रु होते हैं, ये कहाँ से आप देखते हैं, रोग ऋण शत्रु कहाँ से देखते हैं, आप यहाँ से देखते हैं। तो अब जैसे हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि कितने लोग बेचारे बीमार हैं या कितनों के ऊपर कर्जा चढ़ चुका है, तो भाइयों बहनों, भैया बहनों, जो भी आप हमारे मित्र हैं, ये उन वीडियो उन्हीं लोगों पर ज़्यादा आधारित है जो इस समय परेशान है, जो तुला राशि का जातक है, जिसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, अगर रोग चढ़ा हुआ है या कोई भी शत्रु आपको परेशान कर रहा है, भाई अगर रोग चढ़ा तो शत्रु भी आपके ऊपर परेशान करेगा आपको कहीं ना कहीं, तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है। मेन तो उस वीडियो को हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अब आपको करना क्या है वो समझ लीजिए आप, आपको क्या करना है, जब आपने देख लिया कि आपका कहीं लोन नहीं चुका पा रहे हैं आप, या आपने देख लिया कि शत्रु आपके ऊपर हावी होता जा रहा है, या कहीं ना कहीं बीमारी आपके ऊपर हावी हो रही है, अब आपने पैसे भी लगा लिए, सब कुछ लगा लिए, तो बस अब आपको क्या फील करना है, आपको ये फील करना है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। भाई ऐसा होता ना, जैसे हम सोचते हैं, आपने वो पिक्चर देखी होगी आपकी, वो कौन सी थी, शाहरुख खान की ओम शांति ओम, उसमें एक डायलॉग था आपने देखा होगा, जब आप किसी चीज़ को किसी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है ना, सुना होगा सबने, पिक्चर देखी होगी, हमने भी देखी है ना, आपने दूसरी फिल्म भी देखी होगी, एक साउथ की फिल्म थी राम और सीता, उसमें भी यही था कि जब आप किसी चीज़ को चाहते हो तो पूरी कायनात आपके लिए लग जाती है, आपको सही करने में, आपको मिलाने में, जो भी आप चीज़ चाहते हो जो आपके हिसाब से होती है, ठीक है ना। ऐसी एक दो फिल्में और भी आई हैं। अच्छा ये ऐसा नहीं है कि हमने बना दिया, ये इसके ऊपर दुनिया भर की बुक्स लिखी हुई हैं अवचेतन मन के ऊपर, और ये राशि आपकी अवचेतन मन ही है, ये समझ लीजिए आप, यहाँ पर जहाँ पर जिस कॉलम में बैठी है मीन राशि है, तो इस अवचेतन मन का ये इंट्यूशन जो होती है वो हम आपको इंट्यूशन जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंट्यूशन का मतलब क्या होता है। इंट्यूशन आपने देखा होगा बहुत सी बार, आप किसी भी आदमी को दिमाग में रखते हैं कि यार वो आदमी कहीं घर ना आ जाए, तो होता है क्या, वो आदमी घर आ जाता है आपके, तो क्या होता है, वो आपकी इंट्यूशन हो रही होती है। आपने देखा होगा यार कुछ बुरा ना हो जाए, आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो आपके मन में भाव आ रहे होते हैं कि यार बुरा ना हो जाए, मैं घर से निकला तो ना हो जाए, वो हो जाता है, तो क्या होता है, वो एक आभास होने लग जाता है आपको, एक आपकी एक दृष्टि है, एक चक्र आपका ऐसा है जो आपके चक्र, हमारे जो चक्र में शरीर में 6-7 जो चक्र होते हैं, ये कौन सा चक्र वो खुल जाता है, तो उससे क्या होता है, जो उसे दिव्य दृष्टि मान लो आप या कुछ भी मान सकते हो अपनी भाषा में, तो वो एक वेवलेंथ जो होती है वो उसके पास आ जाती है, जिससे आप ये मतलब सोचने पे या समझने पे वो हो जाते हैं कि आप कितनी मतलब वो बढ़ जाती है उसकी उस समय कि आपका जो भाव आता है वो आपका सच हो जाता है जो आप सोचते हो, है ना। ऐसे आपने देखा होगा आप फ़ोन लेके बैठे हैं, यार कहीं इसका फ़ोन ना आ जाए, उस आदमी का फ़ोन आ जाता है, तो वो क्या होता है, वो इंट्यूशन होती है, वो आभास होता है, वो आभास जो आपको मन में आने लग जाता है, उसी आभास को और उसी आपके अवचेतन मन को, आपने खुली आंखों से आप सपना देखते हो, अरे यार मैं, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा ये हो गया, मैं तो ठीक हूँ, रात मैंने सपना देखा, मैं बिल्कुल सही हूँ, तो वही जो आपने सपना सोते हुए देखा था या जागते हुए देखा था, वो सपना आपको सही करना है। भाई आप बीमार हो सपोज करो, ठीक है ना, आप सपोज करो आप बीमार चल रहे हो, क्यों, घर किसका है। अच्छा ये वीडियो किसके ऊपर है मेन, ये वीडियो उसके ऊपर है जिनके ऊपर रोग लगा हुआ है दुनिया भर का, कोई बीमारी चल रही है ना, आपका ऋण चल रहा है, शत्रु चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा एक और दूसरी चीज़ हम बता देते हैं, राहु और बुध की आपको खराब की एक निशानी बता देते हैं, थोड़ी सी बुध की, बुध की जिस व्यक्ति का बुध खराब होगा, आप ये मान लीजिए उसके आगे के दांतों में कहीं ना कहीं परेशानी होगी,
समझा, नाड़ियों की कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। तो ये बुध की निशानियाँ होती हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई बुध कहीं ना कहीं हमारा खराब चल रहा है, ठीक है ना। तो ये हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ एक छोटा सा और मतलब साथ में बता देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। जब भी ऐसी स्थितियाँ होती हैं, है ना, बीमारी की या किसी भी चीज़ की, तो उससे थोड़ा सा विपरीत भी चलना चाहिए। जैसे सपोज करो आप बीमार हो रहे हो तो एक्सरसाइज पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक्सरसाइज क्या है, जब एक्सरसाइज आप करते हो किसी भी चीज़ की तो उसके जो प्रभाव होते हैं बीमारी के, वो एज अ फिजिकली भी चेंज होने लग जाते हैं और एज अ ग्रह के हिसाब से भी चेंज हो सकते हैं। चलो ये तो अलग चीज़ होगी ना, वैसे बता दिया। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि मैं ठीक हूँ। मुझे क्या सोचना है, मैं सपोज करो बीमार हूँ तो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। सुबह आप सुबह जब उठेंगे अपने इष्ट का नाम, अपने भगवान का नाम, जिस देवी देवता को आप मानते हैं, सुबह उठकर उसका नाम उसे प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद आपको क्या करना है, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। इस बात को आपको 5 मिनट देनी है और जब रात को आप सोएंगे जब भी आपको यही देना है। अच्छा, जिन लोगों पर लोन चढ़ा हुआ है सपोज करो, नहीं चुका पा रहे हैं, उन्हें क्या है, मैंने लोन पे कर दिया, मैंने लोन पे कर दिया, मैंने लोन पे कर दिया। आपको सिर्फ एक पॉजिटिव होना है भाई, आप निराश तो पहले ही हो रहे हैं ना, थोड़ा सा पॉजिटिव हो लो। अच्छा, उसे और पक्के रूप से करना चाहते हो तो एक हम और आपको चीज़ बता देते हैं, उसे लिख भी लिया करो, ठीक है ना। उसे लिख के क्या फ़र्क पड़ जाता है, वो पक्की मोहर लग जाती है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक है, मैं बीमार नहीं हूँ। मतलब जो भी आपने एक बात सोच ली, ठीक है ना, मतलब आप लिख सकते हैं उसे, मैं ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैंने लोन चुका दिया है, ठीक है ना। अब आपने क्या करा, आपने उसे लिख लिया, लिख के क्या हुआ, सुबह भी लिख लिया, रात को भी लिख लिया। 5 मिनट आपको सुबह देने, 5 मिनट आपको शाम को देने, एक फ्री का उपाय है आपके लिए। लेकिन इसके उपाय का आपको फ़र्क क्या पड़ेगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, आप बाद में देखेंगे। जो आपको 7 मार्च से 26 मार्च तक का जो समय मिला है, 7 मार्च को बुध यहाँ पर आपकी मीन राशि में, अपनी नीच राशि में यहाँ पर आए हैं और 26 मार्च तक यहीं पर रहेंगे। 26 मार्च तक ये जो आपको 18 दिन आपको जो मिले हैं, 18 दिन का अगर आपने पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा लिया तो आप ये मानेंगे कि आप ये कहेंगे कि हाँ भाई इसका क्या हमें मिल गया, है ना। इस बात को आप कर लें, देखिए आपको वो होगा। अच्छा भैया, बहुत लोगों के मैसेज भी आते हैं, तो हम जितने भी अपने हमारे मतलब जानने वाले हैं भाई, सब हमारे सब अपने परिवार ही हो गया, जब हमारे लोग सब्सक्राइब करते हैं, रोज़ मैसेज करते हैं, तो हम जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, तो हम उन लोगों के लिए एक मतलब एक बाबा बालकनाथ जी हैं हमारे देवी देवताओं में सबसे छोटे देवता हैं, उनकी एक विनती है। उस विनती के रूप में जब आरती होती है तो आरती होने के बाद वो भगवान का या भगवान से शुक्रिया करा जाता है, तो वो विनती हम आप सबको सब लोगों के लिए प्रे भी कर देते हैं। उससे क्या होगा, जो भी हमारी अरदास है, हम अरदास लगा देते हैं आपके लिए, तो हम अरदास भी आपके लिए लगा देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि फिर भूल जाएंगे वीडियो के चक्कर में, फिर याद नहीं रहता। रोज़ सोते हैं अरदास लगा दें, अरदास लगा दें, घर में तो लगा देते हैं लेकिन वैसे भी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। एक मन चित हो के करूं मैं जो अरदास, पलक छपकया हो जाए पूरन उनकी आस। माओ को बछड़े दे निदा, बहनों को देवे वीर, कक्को लख मना देवे बदल देवे तकदीर, कक्को लख मना देवे बदल देवे तकदीर। तो भैया हम लोग आपके लिए प्रे कर सकते थे, ठीक है ना। जिसकी जो भी समस्या है वो भगवान पूरी करें, वो इंट्यूशन पावर को अपनी जागृत करें, उस चीज़ को समझें। 5 मिनट आप सुबह दें, 5 मिनट आप शाम दें। इन दोनों ग्रह का अगर आपने इस समय फ़ायदा उठा लिया, सारी चीज़ें उठा ली, तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसका फ़ायदा होगा। अच्छा समझें, ये घर किसका, आपका भी हमने आपको बताया, ये खर्चे का घर है, व्यय का घर है, ये दान पुण्य का भी घर है, ये कोर्ट कचहरी मतलब मुकदमों का भी घर है। तो अब आप जितने भी जो लोग इन सब चीज़ों से संबंधित परेशान हैं, किसी का अगर सपोज करो कोर्ट का केस चल रहा है, तो वो लिख सकता है मेरा केस ख़त्म हो गया, मेरा केस ख़त्म हो गया, मेरा केस ख़त्म हो गया, मुझे छूट मिल गई, मुझे छूट मिल गई। मतलब जिसकी जो इन संबंधी परेशानी है, रोग ऋण शत्रु
खर्चा ये आपका व्यय, अच्छा दान पुण्य के उसमें लगाता है क्योंकि आपको यहाँ मोक्ष का घर है ये, है ना, इस घर में मोक्ष प्राप्त होता है आपको, ठीक है ना। तो ये भैया आप अगर इस समय आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर इस समय कर लिया तो मेरा आपसे, मैं फिर आपसे एक बात को मतलब आपको बता सकता हूँ कि इसका जो आप फायदा लेंगे पूर्ण रूप से लेंगे। बस हमारी बातों को समझें, हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं समझा सकते। बस आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव रहना है, चाहे जीवन में कितने निराश रह लिए या कितना बुरा हो गया, 18 दिन हमारे कहने से आप प्लीज़ पॉजिटिव रह के देख लें और रोज़ ये लिख के या बोल के देख लें, 5 मिनट सुबह देने हैं, 5 मिनट शाम को आपको रात को देने जब आप सोएंगे, बस इतना आप कार्य करें, देखिए आपके जीवन में सब अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। धन्यवाद।